नमस्कार दोस्तों। दोस्तों वास्तु शास्त्र के अनुसार अगर एक पुरुष घर में यह तीन गलतियां कर बैठता है तो उस घर में कभी भी पैसा नहीं रुकता और वह घर जल्द ही गरीब हो जाता है। दोस्तों वास्तु शास्त्र के अनुसार जो व्यक्ति यह घर में गलतियां करता है उस घर में कभी भी माता लक्ष्मी जी अपना वास नहीं बनाती और वह घर पूरी तरह से हो जाता है कंगाल। दोस्तों कहा जाता है कि अगर पुरुष यह तीन गलतियां करता है तो उस घर में कभी भी पैसों की आने की कोई भी चांसेज नहीं होती। इसलिए दोस्तों आप यह तीन गलतियां करने से बचे वरना आपका घर भी पूरी तरह से हो जाएगा बर्बाद। दोस्तों वह तीन गलतियां कौन सी हैं जो एक व्यक्ति को भूल कर भी नहीं करनी चाहिए, उस चीज के बारे में जानने के लिए आप हमारे इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिए। साथ ही दोस्तों वीडियो के आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। नंबर एक पर कहा जाता है कि जो व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ हमेशा ही झगड़ा करता रहता है तो उस घर में कभी भी पैसा नहीं रुकता, वह घर पूरी तरह से हो जाता है बर्बाद। कहा जाता है कि जो महिला जिस महिला से अगर आप शादी करके उसे घर लाते हो तो उसे माना जाता है माता लक्ष्मी जी का रूप। अगर आप उसके साथ हमेशा ही झगड़ा करते रहते हो तो ऐसे में माता लक्ष्मी जी आपसे रूठ जाती है जिसकी वजह से आपको काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों इसलिए आप अपनी पत्नी के साथ हमेशा ही प्यार से रहिए और आप उसे हमेशा ही कभी डांटने की कोशिश ना करें। कहा जाता है कि अगर आप अपनी पत्नी को डांटते हो या उसे घर से निकालते हो तो समझ लीजिए कि आप माता लक्ष्मी जी को घर से बाहर निकाल रहे हो जिसकी वजह से आपके घर में आ सकती है कंगाली। दोस्तों आप यह गलती करने से बचे वरना आपका घर पूरी तरह से हो जाएगा बर्बाद। नंबर दो पर कहा जाता है कि जो पुरुष अपनी पत्नी की सिवाय किसी और महिला से गैर संबंध बनाने की कोशिश करता है वह पुरुष जल्द ही कंगाल हो जाता है। दोस्तों कहा जाता है कि अगर एक पुरुष ऐसा करता है तो उस घर में कभी भी माता लक्ष्मी जी नहीं आती और वह घर पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। ऐसे घर में वास्तु दोष भी आना शुरू हो जाते हैं जिसकी वजह से वह घर कंगाल हो जाता है। दोस्तों एक व्यक्ति को अपनी पत्नी की सिवाय किसी और महिला के साथ गैर संबंध नहीं बनाने चाहिए। कहा जाता है कि अगर पुरुष यह गलती कर बैठता है तो उस घर में कभी भी पैसा नहीं रुकता और वह घर जल्द ही बर्बाद हो जाता है। दोस्तों आप यह गलती करने से बचें वरना आपका घर भी पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। नंबर तीन पर कहा जाता है कि एक पुरुष को अपनी पत्नी के साथ संबंध बनाने में शर्म नहीं करनी चाहिए। दोस्तों अगर एक पुरुष ऐसी गलती करता है तो उसके जीवन में कोई तीसरा आ जाता है जिसकी वजह से उन्हें आने वाले समय में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और उनका घर काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़ों से भर जाता है जिसकी वजह से वहां पर कंगाली आना शुरू हो जाती है। दोस्तों वास्तु शास्त्र के अनुसार एक पुरुष को अपनी पत्नी के साथ प्रेम करते वक्त कभी भी शर्म नहीं करनी चाहिए। अगर एक व्यक्ति ऐसा करता है तो उस घर में गरीबी आना शुरू हो जाती है। दोस्तों कहा जाता है कि जो व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ प्रेम करते वक्त शर्म करता है उस घर में कभी भी माता लक्ष्मी जी वास नहीं करती, उस घर में हमेशा ही गरीबी आती रहती है और उस घर में कभी भी पैसों की वर्षा नहीं होती जिसकी वजह से वह घर पूरी तरह से हो जाता है बर्बाद। दोस्तों यह तो थी वह तीन गलतियां जो एक पुरुष को
कभी भी भूलकर नहीं करनी चाहिए। अगर वह ऐसा कर बैठता है तो वह व्यक्ति जल्द ही हो जाता है गरीब। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। साथ में अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास के बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि दोस्तों आपको रोजाना ही ऐसे ज्ञान से भरी वीडियो सबसे पहले देखने को मिल सके। तो मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।